वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आई होप आपने सेकेंड वीडियो अच्छे से देखा है, हर एक चीज़ को समझा है और जो मैंने पीडीएफ भेजा था उसको सॉल्व भी किया होगा। उसके अंदर सब क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। नाउ अगर हमने सेकेंड वीडियो अच्छे से देखा है तो उसमें आपने देखा होगा मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस को अच्छे से कवर किया था। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग एक दो मिनट में रिवाइज करें तो इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज डिनोटेड बाय आर एवीजी, उसमें डेल्टा आएगा। क्यों? क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम था। माइनस कब आएगा? फॉर्मेशन या कंजम्पशन? कंजम्पशन, यस। फॉर्मेशन के केस में प्लस आएगा, जो मैंने 6-7 बार बोली थी लेक्चर में। एक चीज याद है सबको, यस, क्या था? कंजम्पशन और फॉर्मेशन में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नहीं लिखना है। हाँ, जब आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना है। हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने आई होप अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है ना। अभी हम लोग आते हैं बेटा आज के लेक्चर के बारे में। मैंने आपको सेकेंड वीडियो के एंड में बोला था कि हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन आता है? ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसी के ऊपर और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इस लेक्चर के एंड में, वीडियो के एंड में पीडीएफ के फॉर्म में मैं दूंगा, वो आप प्लीज अटेम्प्ट करिएगा। फिर उसके बाद आप फोर्थ लेक्चर देखिएगा, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर बच्चों। इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन ऑन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन सेज कंसीडर द रिएक्शन 2a + b गिव्स 2c। सपोज दैट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन बोला है, कंजम्पशन, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज 0.076। बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसको आपको सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपको इस सिंबल का, इसको, इस स्टेटमेंट को सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करने आएगा? यस, बोलो। एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, तो पहले कुछ आएगा इतना तो पता है, माइनस आएगा। क्यों? कंजम्पशन है, एवरेज है तो डेल्टा आएगा। अगर इंस्टेंटेनियस होता तो स्मॉल डी आता। वेरी गुड। कंजम्पशन ऑफ किसका बोला है? ए। सो इट इज डेल ए बाय डेल टी, इट इज इक्वल टू 0.076 मोलार पर सेकेंड। ये तो दिया है क्वेश्चन में। देन कैलकुलेट नंबर 1, 2 एंड 3। एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पूछा है, मतलब प्लस हो जाएगा, कंजम्पशन मतलब माइनस हो जाएगा, ये सब चीजें पूछी है, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आएगा। बट दिस इज गिवन टू यू, ये आपको गिवन है बेटा, ठीक है। आपको स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। ना सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो आपको रिएक्शन दिया है 2a + b गिव्स 3c के फॉर्म में, चलो इसका मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी -1/2 डेल ए बाय डेल टी, इट इज इक्वल टू -1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डेल बी बाय डेल टी, इट इज इक्वल टू +1/3, क्यू प्लस, यस, इट इज प्रोडक्ट, डेल सी बाय डेल टी, ठीक है। अगर आप गिवन देखते हो तो कहना है ये वाला पोर्शन आपको दिया है, ये क्या है बच्चों जरा रीड करके बताओ ना, डोंट रीड माइनस डेल बी बाय डेल टी, ठीक है ना। इसको कैसे रीड करोगे सिंबॉलिक फॉर्म में? बोलो कंजम्पशन, यस, एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? एवरेज है, तो बोलो एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, कोई तो पूछा है, इसको रीड करो 1/3 को हटा के, सिर्फ इतना ही तो रीड करो, इसको रीड करो, दिस इज एवरेज, कुछ नहीं लिखा है, प्लस है, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये तो पूछा है। ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कोई तो पूछा है, इसमें से कोई भी एक टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पूछा है, ये पूछा है, जबकि ये दिया हुआ है, तो वी कैन कंसिडर फर्स्ट एंड, यस, थर्ड। सो कंसिडर -1/2 डेल ए बाय डेल टी, डेल ए बाय डेल टी इक्वल टू +1/3 डेल सी बाय डेल टी, करेक्ट। आपको क्या पूछा है? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, बट उसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो ये 3 को इधर भेजेंगे अपॉन में, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी कैन से डेल सी बाय डेल टी विल बी इक्वल टू -3/2 इनटू डेल ए बाय डेल टी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अभी आप बताइए
क्या मुझे यहाँ पे प्लस लिखना है, यस डेल सी बाय डेल टी इट इज इक्वल टू 3/2 इनटू, सर माइनस साइन क्यों है लिखा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कंजम्पशन फॉर्मेशन में आपको पता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, वैसे एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये जो वैल्यू 0.076 दिख रहा है आपको, ये किसके साथ में है, माइनस के साथ में, माइनस के साथ डेल ए बाय डेल टी का आंसर, नेगेटिव के साथ में डेल ए बाय डेल टी का आंसर 0.076 है, रिमेंबर हां, सो नेगेटिव के साथ में डेल ए बाय डेल टी का आंसर कितना है 0.076 है, सो डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ राइटिंग योर नेगेटिव, इट इज सिंपली 0.076 हो जाएगा, कितना 0.076, एक मिस्टेक कर दिया हमने शायद से, यहां पे 2 था ना, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 2 तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 विल गेट कैंसिल राइट, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, माइनस के साथ में ही इसका आंसर ये है, ठीक है, तो आप बताओ नेगेटिव डेल ए बाय डेल टी का आंसर ही कितना है, कितना है 0.076, तो ये आंसर भी 0.076 क्या मोलार पर सेकंड, सो ये मेरा आंसर हो गया फर्स्ट वाला, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है, सेकंड पॉइंट ये आ गया, फर्स्ट पॉइंट ए ना, बच्चों आपको क्या पूछा है, सेकंड एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, मतलब ये पूछा है और ये आपको पता है, सर ये भी तो पता है, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, इसके साथ में आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो या इसको भी कंसीडर कर सकते हो, मैं इन दोनों को कंसीडर कर देता हूँ, तो कंसीडर आप दूसरा का भी ले सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, कंसीडर माइनस डेल बी बाय डेल टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल सी बाय डेल टी, सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ इनटू डेल सी बाय डेल टी, प्लस के साथ में आंसर कितना है 0.076, so this will be 1 2 1 2 0.03 yes 8 molar per second, so this is going to be minus del v by del t, now read this in a symbolic form, what is minus del v by del t, minus del v by del t is nothing but average rate of consumption of a, jiska answer hai 0.038 molar per second, third and the last one average rate of reaction, bachcho average rate of reaction to ye tino hai, इन तीनों में से जो मर्जी हो आप उठा लो, तीनों का आंसर सेम ही आने वाला है, जब जिसके सामने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो बेटर रहेगा वो उठा लो, ताकि आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट बच जाएगा, सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं इसमें से तीनों में से कोई भी ले सकता हूँ, तीनों का आंसर क्या आने वाला है सेम ही आने वाला है, माइनस डेल बी बाय डेल टी इट इज इक्वल टू 0.038, देख लो नेगेटिव के साइन साथ में माइनस नेगेटिव के साथ में डेल बी बाय डेल टी का आंसर 0.038 इधर नेगेटिव मत लिखना 0.038 मोलार पर सेकंड, ये नेगेटिव साइन तो सिर्फ क्या इंडिकेट करता है, यस रेट इज डिक्रीजिंग, राइट रेट इज डिक्रीजिंग, क्या था भूल गए, यस इट इज डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो स्टूडेंट ये टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एंट्रेंस में भी देखे और बोर्ड्स में तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही है, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा जिसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे, वो आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, दिस इज योर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर instantaneous rate of reaction and it is denoted by R inst, ठीक है, अभी इसमें बच्चों एक ही चीज का ख्याल रहे, सिर्फ इतना कि मैंने आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बहुत डिटेल में सिखाया, जहां जहां पे जो आपने डेल्टा लिखा है वहां पे सिर्फ D लिख दो, दैट्स इट, इसमें सिर्फ आपको इतना सा काम करना है, रिप्लेस कर दो डेल्टा बाय डी, डेल्टा बाय स्मॉल डी, बस इतना सा काम करो, बाकी डिक्टो पार्ट क्या होता है सेम होता है, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा ही सिखाते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा सिखाते हैं, वो भी एक सही तरीका है,
बट मैं क्या करता हूँ, मैं एवरेज रेट को ही बहुत डिटेल में सिखा देता हूँ, ताकि इंस्टेंटेनियस रेट में सिर्फ बच्चों को इतना बताना होता है कि आप रिप्लेस कर लो डेल्टा को डी से, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूँ, 2a + 3b गिव्स सी, ठीक है, तो ए और बी इसमें क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, और सी इसमें क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने जा रहा हूँ, वापस सुनना। अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, तो आपने अगर आगे इंस्टेंटेनियस वर्ड नहीं भी लिखा तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, ऐसा समझा जाता है कि वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की ही बात हो रही है। तो याद रहे, अगर हम लोग कुछ नहीं लिख रहे, हम लोग सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू, इट इज गोइंग टू बी माइनस, डेल्टा की जगह पे क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। अभी डेल्टा की जगह पे हमने सिर्फ क्या लिख दिया, डेल्टा की जगह पे डी आ गया, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कंजम्पशन भले एवरेज में रहो या इंस्टेंटेनियस में रहो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंजम्पशन फॉर्मेशन में नहीं आएगा, गोल्डन स्टेटमेंट्स। उसके बाद में रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज गोइंग टू बी माइनस डेल्टा डी बी अपॉन डी टी, डेल्टा डी, ठीक है। उसके बाद में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, फॉर्मेशन ऑफ सी इज गोइंग टू बी प्लस और माइनस, यस इट इज प्लस डी सी बाय डी टी। देखो मैंने आगे कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो सर एवरेज माने या इंस्टेंटेनियस गोल्डन स्टेटमेंट, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो हमेशा उसको कौन सा वाला मान के चलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सर ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो केमिस्ट होते हैं बेटा, उनको एक पल पल की जानकारी इंपॉर्टेंट लगती है। हम लोग ये एज अ केमिस्ट ये नहीं पढ़ेंगे कि इतने टाइम में क्या चेंज हुआ, वो एवरेज नहीं देखते हम लोग, एक पल पल में क्या हुआ चेंजेस, फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना चेंज हुआ, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना चेंज हुआ, वो सब में हम लोग इंपॉर्टेंट, और उसको हम लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एज अ केमिस्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन में इसमें ना तो कंजम्पशन है ना फॉर्मेशन है, तो जैसे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं वैसे इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, या फिर सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखेंगे। अभी यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएगा, तो -1/2 dA/dt इक्वल टू -1/3 रेसिप्रोकल के फॉर्म में, डिक्टो सेम है, इसमें कोई चेंज है ही नहीं बच्चों, बराबर, इक्वल टू प्लस dC/dt, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। इसमें भी सेम टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि अगर आपको ये दिया तो इसे इक्वेशन फ्रेम करने के लिए बोल सकते हैं, ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि हम लोग सिर्फ पहले माइनस वाले ही लिखेंगे क्वेश्चन में, जब वो लोग आपको एंट्रेंस में बोर्ड्स में बना के देंगे तो आपको पहले प्लस वाले भी लिख के दे सकते हैं, फिर माइनस वाला, फिर वापस प्लस वाला, उनके ऊपर डिपेंड है। तो आपको सिर्फ इतना ऐसा याद रखना है, नेगेटिव वाला मतलब रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, यस इट इज रिएक्टेंट, एंड प्लस वाला हमेशा प्रोडक्ट होता है। इसमें एक और क्वेश्चन वापस, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हाउ इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए रिलेटेड टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी और कंजम्पशन ऑफ बी, ये सब टाइप के क्वेश्चन जो जो आपने कहाँ पे पढ़ा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में, वो सब इधर अप्लाई होगा। मैं तो बोलूंगा ये जो सेम क्वेश्चन है आप वापस सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें से सिर्फ ये वर्ड एवरेज हटा दो, जहां जहां पे मैंने एवरेज लिखा वहां पे इंस्टेंटेनियस लिखो या ना लिखो, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज इंस्टेंटेनियस, और ये सेम आप क्वेश्चन उसी में भी फ्रेम हो सकता है। तो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट या सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट,
वर्सेस टाइम। नाउ रिएक्टेंट वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो इस ग्राफ को कट करे। बट स्टूडेंट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये कर्व है, ठीक है, तो मैं इसका टेंजेंट नहीं निकाल सकता डायरेक्टली। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे मैं इसका स्लोप तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, सॉरी। तो मुझे सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो एक्स और वाई एक्सिस को कहीं पे कट करे, ठीक है। सपोज ये पॉइंट ए पे कट कर रहा है यहाँ पे, और ये आपका पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। चलो तो आप बताओ बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप, इट इज वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज गोइंग टू बी वाई टू माइनस वाई वन, इसका मतलब ए अपॉन क्या आ जाएगा, बी। बट सिंस ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, इसके आगे मैं माइनस साइन डालूंगा, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप तो ऑलरेडी नेगेटिव आएगा। सर ऑलरेडी स्लोप नेगेटिव आएगा तो फिर आप क्यों नेगेटिव साइन डाल रहे हो, बिकॉज मुझे पता है कि स्लोप जो है इट इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बच्चों सो व्हाट इज y2 माइनस y1, इट इज नथिंग बट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कुछ याद आ रहा है, चेंज इन व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन, यस याद आ रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन x2 माइनस x1, इट इज नथिंग बट चेंज इन टाइम। सो बेसिकली अगर आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम निकाल रहे हो तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन, याद आ रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन, बट दिस इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एंड वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग याद रखना इसके लिए इसके आगे पहले से कौन सा साइन डाल के रखते हैं, माइनस का साइन डाल के रखते हैं, ताकि फाइनल आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव। ये ऑलरेडी एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एंड डू रिमेम्बर, वो अगर इस टाइम का पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट से कोई लेना देना ही नहीं है, आपको यहाँ पे टेंजेंट ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया होगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे समझो 4 दिया है, 4 मिनट्स या 4 आवर्स जो भी है, व्हाटएवर इट इज, और यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया है समझो 0.3 दिया है, तो इस वैल्यू को इस नंबर से आपको सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है, खत्म। इसमें और कोई करने की जरूरत नहीं है। सो दिस विल गिव यू एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम लोग ने किसको किसके अगेंस्ट प्लॉट किया, दिस इज केस 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम प्लॉट किया। अगर आप चाहो तो इसमें एक दूसरा ग्राफ भी बना सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यस वर्सेस सेम करेक्ट टाइम, ये भी आप कर सकते हो। तो इस ग्राफ में क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का जो ग्राफ है वो बढ़ते जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, करेक्ट। नाउ इन दिस केस इसका जो ग्राफ आता है बच्चों वो इस टाइप का आता है, इंक्रीजिंग ग्राफ। तो अगर सपोज आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, अगर समझो आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यस वेरी इंपॉर्टेंट, इस ग्राफ का इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे तो ये एक्स और वाई एक्सिस को कट करेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको जितना आप चाहो उतना एक्सटेंड करने के बाद इसको एक ट्राइंगल का फॉर्म दे दो। अभी आप बोलोगे सर ट्राइंगल आपने तो इतना बड़ा बनाया, हम तो छोटा बनाना चाहते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा ट्राइंगल बनाना चाहते हो, बिकॉज ऑल दिस ट्राइंगल्स आर गोइंग टू बी सिमिलर बाय एए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे ये ट्राइंगल है ये छोटा और ये बड़ा ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और हमको तो वैसे भी बेटा स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप, एंड स्लोप इज ऑलवेज व्हाट, y2 माइनस y1, दिस इज योर y2 माइनस y1 and this is x2 minus x1. Suppose मैंने इसको a नाम दिया, इसको b नाम दिया, so this is going to be a by b, और इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, because ये increasing graph है. So slope is nothing but this is what, y2 minus y1, this is nothing but what, change in concentration. तो वापस आया आपका change in concentration upon ये क्या है, b, this is change in time,
तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही आपका हो गया बच्चों क्या स्लोप, और इसी स्लोप से आपको कौन सा रेट मिलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सर अगर हम तो ये लेते तो ये लेते तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। इसको ए डैश और बी डैश मान लो, क्यों, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, कुछ समझ रहे हैं। देखो ये ए बी सी करेक्ट, अभी इसको नाम दे दो ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है ना, क्यों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये 90 ये भी 90, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इन दैट केस इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, आप ए बाय बी निकालो या ए डैश बाय बी डैश का रेशियो निकालो, दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वर्सेस टाइम। सो बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो आप उसको बोलूंगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से भी इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे सर आपने एवरेज ज्यादा क्यों सीखा है, बिकॉज वी स्टार्ट द चैप्टर विद एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट। सो व्हाट वी डू इज, अगर मैं आपको एवरेज का सिर्फ इंफॉर्मेशन देके आगे बढ़ जाऊँ तो वो भी अच्छा नहीं था, तो मैंने एवरेज के अंदर ही सब चीजें सिखा दी और वही आपको अप्लाई करना है किसमें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगेन आई एम सेइंग गोल्डन वर्ड्स, कुछ नहीं बोला है तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही अज्यूम करना है, और इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप एवरेज के जैसे ही सॉल्व करोगे, जैसे मैंने आपको एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो पीडीएफ के फॉर्म में भेजूंगा अलग अलग टाइप के, वो आप प्लीज अटेम्प्ट करिएगा। जो मैंने आपको एवरेज के ऊपर से सिखाया उसी तरीके से ये वाला भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वी फिनिश द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आपको पता ना केमिकल काइनेटिक्स का ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद नंबर 1 रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, नंबर 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड थर्ड 1 वाज मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो हमने फर्स्ट पार्ट फिनिश कर दिया है। व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने ये भी पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट, व्हाट इज द यूनिट फॉर रेट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ द रिएक्शन, एंड उसके बाद में हमने पढ़ा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक स्टूडेंट थर्ड आता है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, वो एंट्रेंस में नीट में भी नहीं है, सिर्फ वो जेई एडवांस में और जेई मेंस में आता है, वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर बोर्ड्स लेक्चर, इज इट क्लियर। सो अभी मैं जो आपको इसके बाद पीडीएफ भेज रहा हूँ उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एंड इसके बाद ही आप लोग फोर्थ वीडियो देखिएगा। आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल एंड बहुत सारे इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी साइड बाय साइड आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू क्लास।